नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल सुपरस्काई क्लासेस में। दोस्तों आज का लेक्चर है इंडियन कोस्ट गार्ड का मैथमेटिक्स का। देखिए काफ़ी स्टूडेंटों की कमेंट है कि सर CISI एंड टाइम वर्क से भी क्वेश्चन को कराइएगा। तो देखो देखो जितने भी आपके लिए टाइम वर्क के क्वेश्चन है, आपको कल से आपको टाइम वर्क से क्वेश्चन भी मिलने लगेंगे। परसेंटेज के भी आपको क्वेश्चन डे बाई डे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना। आपको डे बाई डे परसेंटेज एंड टाइम वर्क के क्वेश्चन मिलेंगे, डे बाई डे मिलेंगे आपके लिए क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जो सलीगढ़ से है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से भी एक से दो नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं, 100% पूछे आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। बाकी टाइम बक के भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे एंड जनरल साइंस के भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आज ही हमारा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अभी तक जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दें। तो आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक के कौन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस टाइप के, जैसा कि आपको डे बाय डे मैथ के हैं, जनरल साइंस के लेक्चर्स दे रहे हैं। तो किसी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार से किसी भी की जानकारी लेनी हो, एडमिट कार्ड, बाकी हम आपको डे बाय डे बता रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बता दें। अगर कमेंट से भी डाउट के लेना तो डिस्कशन में कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है कि 1/√9 माइनस का रूट एट माइनस का 1/√8 माइनस का रूट सेवन प्लस का 1/√7 माइनस का रूट सिक्स माइनस का 1/√6 माइनस का रूट फाइव प्लस का 1/√5 माइनस का रूट फोर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको 2 से 3 एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो काफ़ी डेंजर लग रहा है देखने में कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कैसे हो पाएगा ये क्वेश्चन। मैं आपको बताऊँ, जितने भी आपको मैथमेटिक्स के हम क्वेश्चन बता रहे हैं सब ट्रिकों के द्वारा बता रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, एक मिनट भी नहीं होता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एक्चुअली हम लोग पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं आपको डे बाई डे ट्रिक बता रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक बता रहे हैं, तो ट्रिक के द्वारा ही हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप इसको उस मेथड से कर रहे हैं, एलसीएम लेके कर रहे हैं, बहुत बड़ा पड़ेगा जाके और आंसर आना मुश्किल पड़ जाएगा। बट आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, एक सबसे पहले बड़ी डिजिट लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि सबसे इसमें बड़ी डिजिट कौन सी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है आपकी बेटा, वो है आपकी √9। कितनी है, √9 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटा आपका है √4। कितना है, सबसे बड़ा है आपका √9 एंड सबसे बड़ा छोटा है आपका √4। दो हैं तो सबसे बड़ा कितना कौन था आपका √9 है और सबसे छोटा कौन था √4। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ देखो, जो √9 वो आपको प्लस का दिया है और जो √4 वो आपको माइनस का दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे बड़ी डिजिट लेते हैं, सबसे छोटी डिजिट लेते हैं। तो सबसे बड़ी डिजिट को हम लोग पहले लेते हैं, उसके पश्चात जो छोटी डिजिट होती है उसका साइन अपोजिट करके जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अपोजिट का मतलब जैसे इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि सबसे बड़ी डिजिट तो 9 हो गई, 9। अब देखो अभी 4 है हमारा, ये किसका है, माइनस का है, तो उसकी डिजिट अपोजिट कर देंगे किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो प्लस का क्या हो गया, 4 हो गया, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके पश्चात क्या होगा, देखिए 9 का जो स्क्वायर, 9 का जो रूट होता है उसका 3 आता है, प्लस 4 का कितना होता है, 2 आता है, तो 3 × 2 कितना हो गया, 5। ये आपका हो गया राइट आंसर। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखो ये 4 छोटी डिजिट, ये किसकी है, माइनस की, तो साइन को अपोजिट कर, अगर ये प्लस की होती यहाँ पर तब यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं। यानी कि सबसे बड़ी डिजिट लेते हैं, उसके पश्चात छोटी डिजिट लेते हैं, उसका जो भी साइन होता है उसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं। तो भाई आपका क्या हो जाता है, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की 1/√2 प्लस का √1 प्लस का 1/√3 प्लस √2 प्लस का 1/√4 प्लस √3 प्लस .. प्लस 1/√100 प्लस का 99। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब ये भी क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी, आप एलसीएम लेके करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे लॉन्ग तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हमें ट्रिक के अनुसार करते हैं, आपको ट्रिक जैसा कि हम बता चुके, देखिए जो भी आपको ट्रिक बता रहे हैं तो उस ट्रिक के कम से कम आपको हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो देखो इस टाइप के सवाल को हम लोग उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया था। क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी डिजिट यहां पे चूज करते हैं, तो सबसे बड़ी डिजिट यहां पे क्या है, देखो 2 1 3 2 4 3 100 सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी हमारी क्या होती है, 100 है। अभी हमारी किसकी है, प्लस की 100 है, कोई समस्या नहीं आता, 100 है हमारी। इसके पश्चात दूसरी सबसे छोटी डिजिट यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे छोटी डिजिट यहाँ पे हमारी √1 है। कितनी है, सबसे छोटी √1 है यहाँ पर, तो √1 को ले लिया। देखिए चूंकि √1 हमारी भी कैसी है बेटा, यहाँ पे प्लस की है, √1 भी प्लस की है। तो मैंने बताया कि सबसे बड़ी डिजिट में से जो सबसे बड़ी डिजिट होती है सबसे पहले हम उसको लेते हैं, तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी 100 हो गई। इसके पश्चात छोटी डिजिट होती है उसका साइन क्या कर देते हैं, अपोजिट करके जोड़ देते हैं। जैसे अभी देखो प्लस की है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस की 1।
बात आ गई समझ में। अब इसको जोड़ते तब भी प्लस माइनस माइनस हो जाता, ठीक है। तो दो मैंने बोला कि प्लस का, तभी किसका आ गया माइनस का। अब क्या करेंगे इसके पश्चात, 100 का 10 होता है, इसका 1 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा 9। किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पर ही आपका माइनस का होता तो यहाँ पर ही प्लस का आ जाता, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई समस्या नहीं, केवल 2 सेकंड 1 सेकंड लगता है, क्वेश्चन देखो इसका आंसर बता दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, √5 - √3 अपान में √5 + √3 -√5 + √3 अपान में √5 - √3। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनका हम लोग क्रॉस गुणन इस वाले टर्म की इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहली चीज़ ये टर्म दोनों सेम है, इसकी जब इससे कराएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी √5 - √3 का यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर आ गया यहाँ पर आपका माइनस, इसके पश्चात क्या होगा √5 + √3 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया √5 + √3 का स्क्वायर हो गया अपान। यहाँ पर क्या होगा देखिए, a + b a - b आपका वर्गांतर बन गया, a² - b² क्या फार्मूला होता है, a + b और a - b होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है a² - b², ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ से यूज करेंगे, देखो a + b a - b तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आता है और √3 का स्क्वायर हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। इसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं, a² तो 5 हो जाएगा, +b² 3 हो गया, -2ab है ना 15 हो गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आता। नेक्स्ट अगले टर्न की बात करते हैं हम लोग, a + b का होल स्क्वायर बना, यहाँ पे a² + b² + 2ab होता है, बट ये नेगेटिव साइन होने के कारण सारे टर्न हमारे कैसे हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो -5 - 3 - √15 कोई समस्या नहीं आता। अपान में क्या आ जाएगा आपका, ये 5 - 3 देखिए इतना आ गया। आने के पश्चात क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखिए ये 5 से 5 कट गया, 3 से 3 चला गया, -√15 - √15 तो माइनस का हो गया 4√15 हो गया, अपान में 5 में से 3 गया तो आपका 2 बचा है, 2 × 4 तो कितना निकल के आया -√15। कोई समस्या नहीं आता, जब आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है कि √7 + √5 - √7 - √5 वही मेथड लगाएंगे जो हम लोग अभी तक करते चले आए हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे आपस में नीचे हो जाएगी, तो देखते हैं ये बहुत ज़्यादा ये लास्ट टाइप का। इसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके चलते हैं, ठीक है, परसेंटेज को लेके चलेंगे या तो टाइम वर्क को लेके चलेंगे। तो देखिए इसकी इससे कराते हैं, तो देखिए स्क्वायर बन जाएगा है ना, a7 + 5 इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस इस वाले की जब इससे मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे भी इसका स्क्वायर बन जाता है, यानी आपका हो जाएगा √7 - √5 यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा पूरा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अपान में क्या होता है a - b a + b तब भी वर्गांतर बन जाता है, यानी a² - √7 - √5। कोई समस्या नहीं, इस तरह से आते ही क्वेश्चन हो जाता है। इसके पश्चात क्या करते हैं, a + b² - a - b² तो a² + b² + 2ab होता है, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, देखिए 7 होता है, +√5 का स्क्वायर तो 5 होता है, +2√7 5 का 35 होते हैं, प्लस a - b² होता है a² + b² - 2ab ये √35। देखिए इस तरह से हो जाएगा। अपान में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, 7 √7 का स्क्वायर 7 होता है, -√5 का स्क्वायर 5 होता है, तो क्या मिलेगा देखिए, ये वाला टर्म प्लस का, ये वाला माइनस का कट गया, 7 × 5 = 12 होते हैं, तो 24 अपान में 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 बचा है, एंड ये कितना हो जाएगा 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 12, आपका क्या हो गया आंसर। ये रहे आज के लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी हम लोग कल से कुछ नया टॉपिक लेके चलते हैं, टाइम वर्क लेके चलेंगे या परसेंटेज लेके कुछ देखते हैं कि कुछ अच्छा टॉपिक लेके चलते हैं जिससे ज़्यादा पूछ जाने की संभावनाएं हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, यहाँ तक आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो इन क्वेश्चनों को जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें। बाकी मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।